हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम न्यू गुड़गांव के सारे कमर्शियल रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन की ग्राउंडेड रिपोर्ट देंगे। प्राइजेज और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ बेस्ट है किसके लिए। तो ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज हम आए हैं सेक्टर 95 है, न्यू गुड़गांव है, जहाँ पे केपीडी के नाम से मॉल बना हुआ है। सेक्टर 95 है, केपीडी के डेवलपर हैं, न्यू टाउन स्क्वायर प्रोजेक्ट का नाम है। तो लोकेशन की बात करें तो बैंगोन आपका पटौदी रोड है। कनेक्टिविटी की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, NH 8 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है इजिली। और पटौदी रोड पे ये मॉल है ही, और पटौदी से लेकर गुड़गांव तक कादीपुर चौक तक सिंगल इस बेल्ट पे सिंगल कमर्शियल मॉल है, और ओवरऑल आपका रेजिडेंशियल बेल्ट है पूरा का पूरा। तो आपका सारा सराउंडिंग्स में रेजिडेंशियल आ जाता है, इकलौता कमर्शियल मॉल है यहाँ का। प्रोजेक्ट की बात करें तो G+10 का कॉन्सेप्ट है। लोअर ग्राउंड इसमें हाइपर मार्केट दिया हुआ है जो कि रोजाना ग्रुप के साथ लीज आउट है। ग्राउंड एंड फर्स्ट पे आपका रिटेल दिया हुआ है, जैसे बीकानेर वाला, बरिस्टा, रिलायंस ट्रेंड, अकृत क्लोथिंग ब्रांड, और पिज्ज़ा हट, RDX, राजेंद्र दा ढाबा, मल्टी ब्रांड आउटलेट, ये सब ऑपरेशनल हैं। सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे आपका फूड कोर्ट और मल्टीप्लेक्स दिया है। थर्ड एंड फोर्थ पे आपका बैंकेट हॉल दिया हुआ है। फिफ्थ टू 10th फ्लोर तक आपके सर्विस अपार्टमेंट दिए हुए हैं जो कि आपका बेस्ट वेस्टर्न होटल से लीज आउट है। मल्टीप्लेक्स ब्रांड आपका सिनेपोर्ट नाम से ब्रांड है, वो आ रहा है। और अभी सामने आप जो देखेंगे टावर, ये सामने जो दिख रहा है SK27 जिम, ये सलमान खान का जिम इसमें ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे नीचे आपका इसमें KFC दिया हुआ है। तो ये तो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया है इसमें, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। करीब करीब आपका 3 एकड़ के आसपास का लैंड पैच है इसमें। तो अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अभी 2 टू 3 टाइम्स तक आपकी मल्टीप्लाई हो चुकी है इन्वेस्टमेंट। तो और अभी इन्वेस्टमेंट ग्रो करना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे ऑपरेशनल होता जाएगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा मॉल, तो आपकी इन्वेस्टमेंट और ग्रो करती है यहाँ पे। तो ऐसी एक एक ऑप्शन अभी हमारे पास करंट में आया हुआ है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अप्रिसिएशन उसमें 200% आना है आपका, क्योंकि लोकेशन ही उसकी ऐसी है और डेवलपर बना रहा है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट। अभी इसमें कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं नहीं। अगर आप डेवलपर की बात कर लें इस प्रोजेक्ट को लेके, केपीडी के डेवलपर हैं, न्यू टाउन स्क्वायर प्रोजेक्ट का नाम है। डेवलपर ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और साथ ही साथ ब्रांड्स लेके आए हैं, ऑपरेशनल किया है, लीजिंग टीम के साथ टाई अप किया है। तो जैसा डेवलपर ने कमिट किया था अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम में, वो उन्होंने बना के दिया है। अच्छा, प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका पोजिशन आपका 2019-20 में आपका इसका पोजिशन हो गया था, तो फिर कोविड आ गया था। उसके बाद से डेवलपर ने काफ़ी मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट में, ब्रांड्स को ऑपरेशनल करने में, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ग्रो कराने में भी बहुत हेल्प की है डेवलपर ने। तो बहुत अच्छे डेवलपर हैं, जो बोला था वो कमिट किया था, वो बना के दिया है आज की डेट में, और अभी भी अपना काम कर ही रहे हैं। मल्टीपल ब्रांड्स के साथ उनकी वर्किंग है, लेके आ रहे हैं ब्रांड्स को भी। बाकी आप वीडियो के थ्रू एक बारी वॉक थ्रू लें और पूरे मॉल को देखें एक बारी। इस वीडियो में हमने दिखाया गया है, एक बारी वॉक थ्रू किया था, वो दिखाते हैं आपको वीडियो के साथ में। और आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं या आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को लेके आपके माइंड्स में कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें एक बारी कमेंट करके बताएं, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और बाकी कुछ आप प्लान कर रहे हैं तो मेरे को दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप गाइज, ये हाई स्ट्रीट कॉन्सेप्ट पे आपका मॉल बना हुआ है। इसमें 12 से 15 रुपए लो कॉस्ट मेंटेनेंस आती है आपकी, और ये आपको हेल्प करेगा अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एक काइंड ऑफ आपको आइडिया मिल जाएगा कि कमर्शियल मॉल जो आज की डेट में हाई स्ट्रीट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। बाकी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएँ, कुछ डाउट्स आएँ, तो आपको हमें एक बारी कॉन्टैक्ट करें, हम आपको क्लियर करने के लिए और बेस्ट सजेशन बताएंगे कि आपकी बजट या आपके प्लान के हिसाब से आपको क्या चीज़ फिट बैठती है। गाइज, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या मतलब किसी भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बेसिकली 3 4 चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, कि लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, क्या लोकेशन है, सराउंडिंग्स में रेजिडेंशियल बेल्ट कितनी है, रेजिडेंशियल एरिया कितना है,
फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट का फ्यूचर कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।